ओह माय गॉड, तो इस वजह से शिवांगी जोशी ने रिजेक्ट किया है बिग बॉस 16 का ऑफर। आखिर क्या है कारण, चलिए आपको बताते हैं। वेल, बिग बॉस 16 की तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच किया जा रहा है बिग बॉस 16 के लिए। एक और नाम सामने आया था शिवांगी जोशी का कि उनको भी अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया बिग बॉस में जाने के लिए। वेल, ऐसा क्या था कारण, चलिए आपको बताते हैं। वेल, जैसे कि आप जानते हैं कि शिवांगी जोशी ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनका एलिमिनेशन हो गया क्योंकि वो अनवेल थी, उतने अच्छे से स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाई थी। कुछ सीजन में हमने देखा है कि अगर कोई अनवेल होता है तो उसको प्रॉक्सी दिया जाता है जो कि उनका स्टंट परफॉर्म करता है, लेकिन शिवांगी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको एलिमिनेट कर दिया गया, ना ही उनको यहाँ पर प्रॉक्सी दी गई, जिसकी वजह से शिवांगी और उनके जो फैंस थे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे उनके एलिमिनेशन से। ऐसी अपडेट सामने आई है कि शिवांगी जोशी ने खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले बिग बॉस 16 और खतरों को दोनों को ही जाने के लिए यहाँ पर अग्री किया था कि खतरों के खिलाड़ी के बाद वो बिग बॉस में भी जाएंगी, लेकिन जब उनका एलिमिनेशन हुआ, उनको प्रॉक्सी नहीं दिया गया और वो ठीक नहीं थी, लेकिन उनका एलिमिनेशन हो गया जिसकी वजह से कुछ सेट पर उनकी अनबन हुई थी, इसी वजह से उन्होंने बिग बॉस 16 में आने से मना कर दिया। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में दोबारा से उनकी वाइल्ड कार्ड के लिए भी बात हो रही थी कि आप एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनके वापस आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब नहीं आना है, ना ही मुझे बिग बॉस करना है, ना ही मुझे खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में आना है। क्योंकि शिवांगी जोशी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि एक तो वो अनवेल थी, ऊपर से उनसे स्टंट कराया गया और एलिमिनेट भी किया गया, ना ही उनको प्रॉक्सी दी गई। तो दोस्तों, क्या ही कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कास्टिंग जोया के नाम से मौजूद हूँ। थैंक यू।